हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, सो हम लोग आज बाहर जाने वाले थे क्योंकि बच्चे हैं नहीं, हम ही दोनों लोग थे तो सोचा था कि बाहर जाके कुछ डिनर वगैरह कर लेंगे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पेट सही नहीं है तो जाना कैंसिल हो गया। सो मैंने सोचा चलो घर पर ही सेलिब्रेट करते, तो मैंने जोमेटो से मंगाया है केक, ये देखिए। और जोमेटो वाले भी स्कैम करते हैं, ये अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी का केक मंगाया है, केक फैक्ट्री करके था, और मुझे इन्होंने भेजा है ये 250 ग्राम का केक, और भी सब पे 250 ग्राम का उतना ही प्राइस था, लेकिन उनके यहाँ 500 ग्राम का था उसी प्राइस में, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया, लेकिन आने के बाद मुझे रिसीव हुआ है 250 ग्राम। और वो साइट अब मुझे दिख नहीं रही है जोमेटो पे, ऑर्डर से पहले वो दिख रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा चलो फ़ोन करके कंप्लेन करते हैं, तो अब मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो रेस्टोरेंट ही नहीं दिख रहा है जिससे मैंने ये ऑर्डर किया है, तो अभी क्या कर सकते हैं। चलिए इससे केक कटिंग करके सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, और अब घर पे कुछ मैं कुक करूँगी, तो अभी उनको पसंद है पनीर टिक्का, और पेट तो सही नहीं है लेकिन कह रहे मन फीका फीका हुआ है, तो पनीर टिक्का उनको बहुत पसंद है, तभी मैं जा रही हूँ पनीर टिक्का बनाने, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है इसीलिए सोचा था कि कुकिंग नहीं करेंगे, बाहर जाके खा पी लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। जेंट्स लोग ऐसे ही करते हैं, प्लानिंग बना के फेल कर देते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का, यहाँ पर पनीर का मैंने मैरिनेशन कर दिया है, अभी इसे सीखना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये हमारा पनीर टिक्का यहाँ पे बन गया है, एक वेज यहाँ पर है। अभी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, मैंने इसमें ठंडा दूध लिया है, अभी डाल रही हूँ चीनी, अभी इसमें डालूँगी ये आइसक्रीम, ये है कॉफ़ी, इसको करेंगे ब्लेंड। फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मैंने मंगाया है पिज़्ज़ा, बर्थडे है तो पिज़्ज़ा खाना बनता है, सो अभी मैं दिखाती हूँ। ये पिज़्ज़ा भी है जोमेटो से, वाह अभी एकदम गर्मा गर्म है, पहले केक कटिंग करते हैं फिर खाते हैं। और इसके साथ कैंडल ऑर्डर करने का ऑप्शन भी नहीं था, और जल्दबाजी में जिस शॉप पे हम लोग गए वहाँ बर्थडे वाला कैंडल नहीं मिला, आसपास शॉप नहीं थी, तो ये वाला ही कैंडल से हम लोग काम चला रहे हैं। फ्रेंड्स, ये केक थक गया है, इसका टेस्ट भी कोई ख़ास नहीं है प्राइस के हिसाब से, बिल्कुल हम थक गए हैं आज केक में, पैसे से लेकर टेस्ट में भी। यहाँ पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी को ब्लेंड करके रख दिया था केक कटिंग होने के बाद, फिर मैं आई तो इसका झाग थोड़ा सा कम हो गया, तो मैंने इसे
ग्लास में इस तरह से निकाल लिया है और इसके ऊपर फिर हम डालेंगे आइसक्रीम। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने दोनों में आइसक्रीम डाला, ऊपर से कॉफ़ी पाउडर मैंने स्प्रिंकल किया है और इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी बना था और आप इसको तुरंत बना के जैसे पियेंगे ठंडा ठंडा तो और टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का बर्थडे मेन्यू। ये है पनीर टिक्का जिसको मैंने घर पे बनाया है। ये है मंचूरियन राइस जो कि बाहर से आया है। ये है पिज़्ज़ा जोमेटो से, कोल्ड कॉफ़ी ये मैंने घर पे बनाया है, और ये है केक, ये भी है जोमेटो से। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा खाना, अभी चलते हैं इसको खाने। तो पनीर टिक्का बहुत टेस्टी बना है। जो दही थी ना थोड़ी सी खट्टी हो गई थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो गया है। पनीर टिक्का में दही थोड़ी खट्टी होती है तो टेस्टी होता है। पी चुके और खाना ज़्यादा हो गया। दो लोग थे, हाफ मंगाया था हमने मंचूरियन राइस, फिर भी ये बच गया इतना। पिज़्ज़ा भी उसका एक क्यूब जो है बच गया। पनीर टिक्का के इतने पीस बच गए हैं। अब इच्छा नहीं हो रही है खाने की। सो हमारा वीडियो आज का ही ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बर्थडे बॉय को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।